लोग बहुत अच्छे होते। तो आज है 12 जून और आज मेरी मम्मी का और मेरी मौसी का बर्थडे है, क्योंकि वो दोनों जुड़वा है, मेरी मम्मी और मेरी एक मौसी। तो उन दोनों का आज बर्थडे है और अभी बज चुके हैं 8:30 और परी को रात सुला रही इतनी जल्दी, क्योंकि परी उठी तो सुबह 6 बजे, फिर वो उठी तो फिर हमें भी उठना पड़ता 6 बजे, फिर उसके बाद सब होते होते परी का मेरा नहा के भी हो गया है और अभी वो आ गए सोने पर, क्योंकि 2.5 घंटा हो गया उठे हुए और अभी उसको सोने के लिए भी 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो 9:30 बजे तक वो सो जाएगी। तो अभी राज परी को सुला रहे, परी का नाश्ता वगैरह हो गया, अभी मुझे थोड़े बहुत काम करने हैं। मैंने चना बॉयल करके रखा है, कल भिगो के रखा था, आज बॉयल किया अभी सुबह सुबह, तो बाकी खाना वगैरह बनाना है, सब करना है, तो खाना थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। पहले मैं थोड़ा किचन साफ करती हूँ, सुबह के थोड़े बर्तन है, कुछ नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद आसूंगी। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं 9:30, परी मैडम सोई है और हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया था। मैंने बनाई थी मैगी, बहुत टाइम हो मैगी नहीं खाई थी, तो फिर मैगी बनाकर खाई, तो उसका मैं क्या बार बार दिखाऊं, इसलिए नहीं दिखाया। और हाँ, कल ना मैंने बनाई थी खारी, आजकल ना मैं देख रही हूँ बहुत ये चल रही थी, ट्रेंडिंग में चल रही थी खारी की रेसिपी, सो आई थिंक मैंने भी ट्राई करनी चाहिए। वैसे भी मेरी खारी खत्म हुई थी, तो कल मैंने बनाई थी, तो आप लोग उसकी रेसिपी देखिए, फिर मैं आपको बता दूँ कैसी बनी थी और क्या था वो सब। और तब तक अभी मैंने लगाया है दाल राइस का कुकर, उससे पहले मैंने चना बॉयल करके रखा है, तो अभी मुझे आटा लगाना है। मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, फिर आराम से कैसे बैठ सकते हैं ना, तो परी सोई उस टाइम में मेरे काम होने जरूरी होते हैं मेरे लिए, इसीलिए मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे हम खाना 1:30 बजे खाते हैं, इतना जल्दी क्यों बनाती हूँ, तो मैं नाश्ता हो गया ना कि तुरंत खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि परी का कैसे है वो, उसको मैं ही लगती हूँ फिर। और आज के ना दो तीन दिन से पीठ दर्द हो रही, तो राज परी को ज़्यादा टाइम संभाल नहीं पा रहे, मतलब परी किसे भागती रहती, तो राज परी के पीछे भाग नहीं पा रहे, या उसको अगर वो नीचे तो उठा नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, तो इस वजह से फिर अभी राज नीचे इसीलिए जा रहे हैं मेडिकल से कुछ दवाई लाने के लिए और दूध वगैरह लाने के लिए, तो इसीलिए फिर मुझे परी को संभालना पड़ रहा है ना आजकल। तो फिर मैं खाने की भी तैयारी फटाफट कर लेती हूँ कि परी सोई तब तक हो जाए, फिर बाद में कैसे बैठ सकते हैं ना आराम से परी को लेकर, इस वजह से। तो मैं अभी जाके आटा लगाती हूँ, थोड़े बहुत काम करती हूँ, और आप लोग तब तक खारी की रेसिपी देखिए, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप आटा, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और 2 चम्मच जैसे ऑयल डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी, फिर इसको पानी डाल के मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम जैसे आटा लगाते उस तरह से लगाऊंगी, बट ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, मतलब रोटी का जो आटा हम लगाते हैं ना उससे भी थोड़ा कड़क लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा आटा लगाकर हो गया है, तो अभी मैं इसको ढककर रखूंगी 10 मिनट के लिए, ऊपर से थोड़ा ऑयल लगाकर फिर ढककर रखूंगी। तो जब तक आटे को ढककर रखा है, तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच घी, आप 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच घी लीजिए अगर बना रहे हो तो, क्योंकि मैंने बाद में थोड़ा और बनाया था, तो 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच घी लेकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी ये। तो यहाँ पे आटे को 10 मिनट हो गए, तो इसके मैं छोटे छोटे गोले कर लूँगी, क्योंकि मेरा जो बेलने का है ना पोलपाट वो छोटा है, इसलिए मैंने छोटे छोटे गोले किए, तो ऐसे 9 वो गोले बन गए। तो इसको अभी मैं ये रोटियाँ पतली पतली एकदम बेल लूँगी, तो ये सारी रोटियाँ पहले हमें बेल कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरी सारी रोटियाँ बेल कर हो गई है, तो ये जो हमने वो क्रीम बनाई थी मैदा और घी की, तो उसके एक रोटी रख कर उसके ऊपर मैं फिर वो लगा लूँगी क्रीम, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा ऐसे भुरभुराऊंगी, मतलब कि डालूंगी थोड़ा थोड़ा, फिर दूसरी रोटी की लेयर डालूंगी, फिर उसके ऊपर भी वो मैदा ये मैदा और क्या बोलते हैं घी लगा लूंगी, मतलब जैसे कि आपने देखा वो बैटर लगा लूंगी, फिर मैदा डालूंगी, ऐसे मैं सारी रोटियां लाइन टू लाइन पूरी लगा लूंगी। तो ऊपर तक मैंने सारी रोटियां लगा ली, अब इसको मैं एक मतलब जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है चौकोन फोल्ड करके, फिर ऊपर की लेयर में भी मैदा और घी का वो जो मिश्रण है वो लगा लूंगी, मतलब उसको साट बोलते हैं, साट या ऐसा कुछ तो बोलते हैं, फिर वापस ऐसे कुछ इस तरह फोल्ड करके इसको फिर से हम 10 मिनट तक ढक कर रखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये मतलब कि चौकोन टाइप में मैंने कर लिया है, तो इसको ढक कर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए इसको हम कट कर लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिए अभी अच्छे से, और इसके ना बहुत अच्छे से लेयर भी बनी थी और बहुत टेस्टी लगी थी खाने में, और फिर इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी खारी की और फटाफट बन जाती है, मतलब कि फटाफट मीन्स कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, 10-10 मिनट रुकना पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और अच्छे से बन जाती है।
तो अभी हमारे यहाँ पे खारे की, जैसे मैंने कहा बहुत बार बताया आपको कि खारे की थोड़ी मुसीबत हो रही, मिल नहीं रही, तो उस चक्कर में मुझे मिल गई खारी। तो मतलब ये खाने के लिए अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे खाने के लिए, टेस्टी भी है। बट मैं आपको बताऊँ, अगर आप एयर कंटेनर मतलब एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो 2-3 दिन रहेगी, अगर आप बाहर रखते हो तो फिर ज़्यादा नहीं रहेगी, मतलब वो नरम पड़ जाती है। तो ये देखिए खारे कितनी मस्त लग रही ना, तो बहुत अच्छी बनी थी। अगर आपको बनानी तो ज़रूर बना के देखिए, बट अगर बना रहे हो तो एयर टाइट कंटेनर में रखिए तो 2-3 दिन तक रहेगी, क्योंकि वो ऑयल में बनाई इस अकॉर्डिंग। तो ये देखिए हमारी चाय और खारी बन गई थी, क्योंकि चाय खारी बनी तो मैंने तुरंत चाय भी बनाई थी। तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये आपको खारी की रेसिपी कैसी लगी। हे गाइस, तो अभी 11:25 और परी टूट गई है और मेरी आंखें थोड़ी भरी ना, इस कारण से हुआ। बहुत इमोशनल हो गए थे आज, और पता बहुत खुशी हुई, मतलब कि ऐसा दुख नहीं हुआ, बहुत खुशी हुई, कुछ तो हुआ, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और हाँ, राज गए नीचे, और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, हाँ आप लोगों ने खारी देखी होगी ना, खारी पर नहीं, उस टाइम में पता है क्या हुआ, खारी खाने की मुझको बहुत इच्छा नहीं है, देखिए हाथ जल गया, तेल उड़ा। तो जब भी आप कुछ भी ऑयल का काम करते हैं ना, संभाल के करना चाहिए। तो ये देखिए 2-3 सीटे उड़े ना, तो देखिए कैसे हो गए। तो राज ने तुरंत सोया सॉस लगाया, तो सोया सॉस से ना जलन कम होती शायद इस वजह से, बट फिर भी वो थोड़ा सा फूल गया। कल ही हुआ है तो 1-2 दिन में ठीक होगा, बट अभी दर्द हो रहा है। तो इसलिए आप कुछ भी अगर ऐसे काम करते हो ना, जिसमें जिसकी ऑयल का वगैरह होता है फ्राई करने का, तो वो थोड़ा संभाल के करना चाहिए। उस टाइम में किसी और से बात नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए सबसे पहले। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेरी मम्मी का और मौसी का बर्थडे, मतलब मेरी मम्मी और मेरी मौसी जुड़वा बहने, तो वो दोनों का ना मैं आपको बताऊँ, जैसे कहा गया था ना जुड़वा में सेम टू सेम रहते, तो मेरी बहन मेरी मौसी और मेरी मम्मी बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है दिखने में भी, दोनों का जो स्वभाव है वो भी अलग अलग है। मेरी मम्मी बहुत बड़बड़ करती है, मतलब बहुत क्या बोलते हैं एक्टिव है, मेरी मौसी एकदम शांत है, मतलब कि वो एकदम समुंदर की जैसी शांति से वो चलती है, उसकी लाइफ ऐसी है। और मेरी मम्मी मतलब कि ज्यादा बोलती है, मतलब कि बहुत ज्यादा, मम्मी और मौसी दोनों अलग अलग है, जबकि जुड़वा होके भीतर से कहते हैं ना कि अलग क्या बोलते सेम रहते, तो कुछ बच्चे सेम रहते कुछ अलग रहते, तो मेरी मम्मी और मौसी ऐसे। तो मेरी मम्मी मेरी मौसी से 5 मिनट बड़ी है, फिर मेरी मौसी मतलब मेरी मम्मी हुई, फिर उसको 5 मिनट के बाद मेरी मौसी हुई, तो ऐसे है। और अभी मम्मी का बर्थडे का केक रात को कट हुआ है, अभी शायद दोपहर को एक दिन में हो गए, पता नहीं शाम को वगैरह करेंगे। और मौसी को अभी तक मैंने फ़ोन नहीं किया, तो अभी मौसी को भी फ़ोन करूँगी। और हाँ, मेरा खाना वाना बना के हुआ है, रात गए नीचे ये लाने के लिए, क्या हाँ मैंने थोड़ी देर पहले बोला है ना शायद कि जाने वाले या गए ऐसे कुछ तो बोला, पता नहीं, तो तब से गए। तो ATM की लाइन में खड़े हुए, एक्चुअली ATM के लिए ये लाइन लगी बहुत बड़ी, तो उसके लिए वो खड़े। और परिवार में हमारे गाइस, तो अभी बज चुके 5:30 और आज मैंने दोपहर को खाने में बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया चना और दाल राइस और चपाती, और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया दोपहर को। आज ना मेरा मूड पता नहीं अलग ही था, मतलब कि एकदम लो फील कर रही थी मैं, ऐसा नहीं है कि खराब था, बट ऐसा कभी कभी आपको लगता है ना कि एकदम शांत बैठे रहो या कुछ मत करो, तो ऐसा थोड़ा सा दोपहर को लग रहा था। तो उस टाइम में क्या करना होता है पता, एक तब को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर कुछ कॉमेडी देखो, या फिर अपनी सेल्फ केयर करो, जैसे कि क्या बोलते अपना कुछ करो, तो आपको फ्रेश फील होता है। तो मैंने उसमें से ये किया कि मैं तारक मेहता देख रही थी दोपहर को, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो रहा था। हम लोग तारक मेहता को बहुत देखते हैं, बहुत ज़्यादा वो शो देखते हैं अनलिमिटेड, और परी को भी बहुत पसंद है जब तारक मेहता का वो सॉन्ग बजता है स्टार्टिंग में, कुछ कुछ एपिसोड्स में बजता है पहले के एपिसोड में, तो परी को बहुत मज़ा आता है। और परी अभी सोई, अभी आजकल क्या हुआ ना, वो सुबह एक नैप लेती है और दोपहर को ना थोड़ा लेट लेती, 3-4 बजे सोती है, फिर रात को भी अभी थोड़ा लेट हो गया सोने का, तो ऐसा हुआ है। ये जो बीच के 2-3 दिन बारिश हो रही थी ना, उस टाइम पे सुबह मस्त लेट उठती थी 8-8:30 बजे, बट अभी वापस सुबह 6 बजे उठने लगी, तो 8-8:30 बजे उठती थी ना, तो उसके साथ साथ मेरे को भी 8 बजे तक सोने को मिलता था, तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन अभी जल्दी उठती तो फिर जल्दी उठना पड़ता है, और क्या। और आज क्या, हाँ मैंने ना जो इससे पहले जो वीडियो आया ना, उसमें मैंने लिखा है
टाइटल में भी लिखा है कि 200K व्यू क्रॉस ऑन टिकटॉक। तो मेरा एक वीडियो है एक्चुअली जिसमें मैंने मतलब लास्ट वाले जो ब्लॉग जिसमें मैंने पावड़ा और वड़ा पाव की रेसिपी शेयर की ना, तो जो पावड़ा है ना वो मैंने टिकटॉक पे डाला था। तो उसको जिस टाइम पे मैंने वो वीडियो एडिट किया ना उस टाइम तक 2 लाख व्यूज आए थे, और अभी उसको मतलब आज की डेट में जब मैं आज का ब्लॉग शूट करूँ तो उसको 3,27,000 व्यूज आए। तो मेरा वो वीडियो बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोगों को पावड़े की रेसिपी पता नहीं थी जो कि नासिक की रेसिपी है, मतलब कि नासिक में ये पावड़ा बहुत फेमस था, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो बहुत अच्छे से वो वायरल हुई टिकटॉक पे। अब जैसे मैंने कहा 3,27,000 के आसपास कुछ उसको व्यूज आ गए, बहुत मजा आता है। एक्चुअली ना मुझे टिकटॉक भी बहुत पसंद है, उसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ टिकटॉक पर भी, बट क्या है ना और वो तो एकदम 15 सेकंड की वीडियो रहती है, फटाफट हो जाते। बट वो क्या है ना, मैं परी को संभाल के मोबाइल संभाल के शूट करूँ और ये सब इतना मेरे से होता नहीं। और क्या रहता है ना, हर एक इंसान अपने अपने फील्ड में या हर एक इंसान को सब चीज आती है, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे राज को अगर मैंने बोला कि कैमरा लेके आप शूट करो तो राज को नहीं जमता है। उसी तरह अगर मैंने राज को बोला ना कि राज मुझे ये डिश खानी, कहीं का भी नाम दिया ना बस डिश का नाम दे तो मुझे वो मिल सकती है। लेकिन मैंने अगर राज को बोला कि मुझे मेरा ये शूट करके दो तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आता। तो वैसा ही है। और मुझे अगर बोला कहीं कहीं भी डिश का नाम लेकर कि राज तुम ये बना के दो तो वो मैं नहीं कर सकती। तो वही होता है, हर एक इंसान को हर एक चीज आती है, ऐसा नहीं। और मेरे पास और कोई तीसरा इंसान नहीं कि जो मेरे वीडियो शूट करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और मेन क्या, मैं खुद भी शूट कर सकती हूँ, लेकिन परी को अगर कैमरा फेस कैमरा चालू रहा ना तो परी बस मोबाइल खींचने रहती, ट्राइपॉड ले लिया तो परी ट्राइपॉड नीचे से खींच लेती है, इसलिए वो जमता नहीं है। तो बस वही। और क्या बोल रहे थे, हाँ अभी तक ना मैंने बाल भी नहीं सूखे, आज सुबह मैंने वॉश किया, लेकिन थोड़ी देर मतलब जब आपसे बात की ना उसके बाद मैंने बांध कर रखे थे, क्योंकि क्या होता है ना बाल गिरते हैं ना फिर पूरे घर में से फैले फैले पड़े रहते हैं इस वजह से। तो बस वही। और मेरा ना घर पूरा बिखरा पड़ा है, मतलब क्या है पता है क्या, एक्चुअली रोज के रोज जो मैं काम करती हूँ ना वो मैं करती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है हम कोई चीज कहीं से उठाते फिर ऊपर ही पड़ी रहती, वैसा हुआ। तो बहुत सारे पसारा मेरे घर में मुझे फील हो रहा है, जैसे कि ये देखिए आपको दिखा दू, यहाँ पर कितनी सारी चीजें जो कि इतनी सारी नहीं थी, कुछ अंदर की है कुछ कहाँ की है ऐसी है वो सब है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी सारी चीजें पड़ी ऐसे यहाँ पे है। यहाँ सामने भी थोड़ा बहुत है, किचन की यहाँ पे बहुत कुछ सामान ऐसा है कि जो फालतू में एक्स्ट्रा का पड़ा है, तो मुझे ना वो सब अभी क्लीन वगैरह करना है। तो मैं सोचूंगा कि बीच का मैं एक दिन फिर से ब्लॉग के लिए गैप लूँ, छुट्टी लूँ, और उस टाइम पे मैं पूरा घर फिर से चकाचक करूँ, क्योंकि मुझे ना ये देखा नहीं जा रहा है। कैसा लग रहा है यार, ये क्या हो गया, घर की हालत क्या हो गई, ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर की तरफ मेरा क्या बोलते दुर्लक्ष हो रहा है, इसलिए मुझे अब एक दिन फिर से छुट्टी लेकर पूरा घर चकाचक करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, हम एक चीज निकालते तो वो वापस जगह पे रखनी चाहिए, बट नहीं रखी जाती किसी कारण, मेरे कभी वो याद नहीं रहता है, कभी राज ऊपर रख देती, ये सब होता रहता है उस चक्कर में। तो बस वही। तो अभी ना मैं सोच रही हूँ कि बाल को कॉम कर दूँ, क्योंकि मैंने सुबह से अब तक किया नहीं बाल। जैसे मैंने कहा कि जब आपसे बात कर रही तब थोड़े सूख गए थे, फिर उसके बाद बांध कर रखे, तो अभी मैं अच्छे से बालों को कॉम करती हूँ। और मैं ना आपको बताऊं, शॉर्टकट मैं ना ये वाली कॉम यूज करती हूँ, ये मोटी रहती है ना तो इसलिए मुझे ये पसंद है, क्योंकि ना मेरे स्कैल्प बहुत कमजोर है शायद, जब मैं पार्लर में गई थी ना हेयर कटिंग करने के लिए, कट करने के लिए, उस टाइम पे मेरी ये बोली थी मतलब वो पार्लर वाली बोली थी कि आपके स्कैल्प कमजोर हो गए, वो क्या पता नहीं कैसे हो गए, अभी प्रेगनेंसी के बाद ध्यान नहीं दे पाई, इस चक्कर हो गए। और ये डिलीवरी के बाद ना पता नहीं कब तक बाल गिरते मेरे, अभी तक गिरी जा रहे सो रहे, कब ठीक हो जाएंगे। तो ये सब है, और मैं तो इसलिए मुझे बाल बांध कर रखने पड़ते। तो अभी मैं सोच रही हूँ कॉम कर लूँ अच्छे से और मस्त चोटी बना के रख दूँ, और बाकी कुछ नहीं। और अगर टाइम मिला तो आज जितना हो सके अपना काम करूँ, बाकी कल करूँ, कल कुछ वीडियो वगैरह शूट नहीं करूँगी, कल सैटरडे, कल कुछ नहीं करूँगी, फिर संडे को शूट करूँगी। तो कल मस्त आराम करती हूँ, आराम नहीं सॉरी घर के काम करती हूँ, और फिर परसों फिर से ब्लॉग करूँगी। और अभी हमारे यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही, फिर 3-4 दिन से आज क्लाइमेट हुआ है बारिश जैसा, बट बारिश नहीं हुई, शांत शांत मौसम। और हाँ, परी का बर्थडे आ रहा है ना, तो उसके लिए मैंने कुछ सोचा है एक्चुअली।
परी का बर्थडे वैसे तो मैं घर में सेलिब्रेट करने वाली, ऐसा कोई नहीं बाहर बर्थडे पार्टी वगैरह तो नहीं, मेहमान भी आएंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये लॉकडाउन है। और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि 15 जून के बाद और फिर एक बार महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही, तो इसलिए फिर से लॉकडाउन होगा शायद। तो फिर मैं मनाना तो इम्पॉसिबल, तो घर के घर में सेलिब्रेट करूँ, तो मैंने कुछ सोचा है, बट वो ना मैं आपको जब करूँगी ना तब दिखाऊंगी। तो मुझे उसका कुछ सामान वगैरह चाहिए, तो कल रात गए थे बट वो जब गए थे तब वो दुकान बंद थी, तो मैं कुछ करने वाली तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जरूर। तो बस वही, और अभी नहीं बताती, बाद में बताऊंगी ना, अभी और टाइम है। वैसे आ गया था मन, मतलब मुंह तक आ गया था कि मैं बता दूं, फिर नहीं नहीं, नहीं 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 कुछ तो सीक्रेट बनता है ऐसा। तो बस वही, और क्या बोल रही थी, नहीं याद नहीं आ रहा। तो अभी मैं बाल बना लेती हूँ और फिर देखती हूँ, परी सोई है ना, तो जितने हो सके मैं काम करती हूँ। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के, बाय। मेरे बालों में ज्यादा ये नहीं रहती, उलझने रहती। मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने आज सुबह बाल धोए थे और अभी तक कॉम नहीं किया था, लेकिन फिर भी देखा ना, दो चार बार बस कभी घुमा दी तो हो गया, ज्यादा ये नहीं होती, उलझन नहीं होती। और अगर ना चोटी बांध के मेरे बाल एकदम ऐसे कैसे रहते हैं, मतलब खुलते नहीं ना, तो मैं दिन रात चोटी बांधा नहीं रहती, बट क्या है ना थोड़े बहुत खुलते रहते खुलते रहते, फिर उससे अच्छा लगता है कि ऊपर बांध के रखो बेटर है। तो ये देखिए मेरे बालों की कुम हो गई, और जब सुबह आधे आधे सूखे थे ना उस टाइम पे मैंने एलोवेरा जेल लगाया था, सो इसीलिए अभी नहीं लगाऊंगी। मुझे ना शादी से पहले बिल्कुल छोटी छोटी बांधना पसंद है ना, मुझे ना अच्छा नहीं लगता था चोटी बांध के रखना या बाल बांध के रखना, मैं एकदम खुले रखती हूँ, घूमती रहती थी। मतलब उस टाइम पे कैसे परी वगैरह नहीं थी ना, उस टाइम पे अपनी लाइफ थी, तो बाल खुले रखती थी, घर के काम हो गए ना कि बाल खुले रहते थे मस्त, और क्या बैठने का काम रहता था, पढ़ाई करो ये करो, तो ऐसा टेंशन नहीं रहता था। उस टाइम पे बाल बिल्कुल भी नहीं गिरते थे, अभी तो बाल गिरने लगे इसलिए बांध रही हूँ मैं। वैसे बांधने नहीं चाहिए, अगर बाल गिर रहे ना तो बांधने नहीं चाहिए ज्यादा, लेकिन फिर भी अभी क्या है ना बाल गिरते तो परी पे इधर में इसीलिए बांध के रखती हूँ मैं, क्योंकि परी नीचे का कुछ उठा के मुंह में डालेगी। तो कभी ये ना डाल दे, क्या बोलते अपना, हाँ बाल वाल मुंह में जाएगा, खाने में भी आते हैं ना, तो इस वजह से नहीं तो नहीं रखती हूँ। और मैं आपको दिखाऊँ मेरे बाल कितने गिरते, नीचे सारा जमा हुआ है। और ना मैं आपको एक बात बताऊँ, बाल कभी भी ना ऐसे जमा करके एक साइड में रखने के फेंकने की जो भी करना, ऐसे फैले नहीं पड़े देने चाहिए, वो अच्छा भी नहीं लगता है और अच्छा रहता भी नहीं इस वजह से। तो ये इतने बात गिरे मेरे, तो वैसे कम ही है उस अकॉर्डिंग जितने गिरते, तो चोटी बांध के रखी ना, अभी टेंशन नहीं कोई, तो रात को रात होने तक तो थोड़ी खुली जाएंगे, तो वापस एक बार बांध दूंगी। तो चलिए अभी हो गया अपना मेकओवर, तो मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मेरे को चोटी अच्छी लगती है, अगर मुझे चोटी अच्छी लगती है तो बोलेगा ना, मैं डेली दिन और रात दोनों खाए चोटी बांध के रहूंगी, जिससे कि मुझे भी टेंशन नहीं, परी को भी टेंशन नहीं, और ना बाल को भी टेंशन है, मेरे बाल इतने गिर गए, कंटाला आ गया बाल गिर गए।